सो गाइस, एक महीने के सुपर हाइप के बाद फाइनली वन प्लस नॉर्ड लॉन्च हो चुका है, अनवील हो चुका है, प्राइसेस अनवील हो चुके हैं और साथ में वन प्लस का ट्रोली वायरलेस बड्स भी अनवील हो चुका है। सो गाइस, प्राइसेस सभी को पता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूं अपने थॉट्स कि वन प्लस नॉर्ड कैसा है, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों प्री ऑर्डर करना चाहिए। सो सारी बातें मैं इस वीडियो में आज करूंगा। ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन है, मेरे पास वन प्लस नॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ नॉर्ड की अनबॉक्सिंग करूंगा या रिव्यू करूंगा, सो वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने इनिशियल थॉट्स को बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है लॉन्च इवेंट को देखने के बाद। सो गाइस, वन प्लस ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था टोटली ऑगमेंटेड रियलिटी मींस एआर में। सारा इवेंट का जितना भी प्रोसेस था सब एआर में। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया ये एआर लॉन्च इवेंट, बट मेरे व्यू में ठीक था, कुछ नया देखने को मिला। सो मेरे ख्याल से लॉन्च इवेंट काफ़ी सही लगा मुझे। और गाइस, बाकी बात करते हैं वन प्लस नॉर्ड की डायरेक्टली। बहुत हाइप था, मतलब पिछले एक डेढ़ महीने से वन प्लस ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था। इतना हाइप तो मुझे लगता है कि आईफोन के लिए भी नहीं हुआ था जितना वन प्लस नॉर्ड के लिए हुआ है। और इतना हाइप होने की एक ही वजह है कि वन प्लस वापस से मिड रेंज सेक्टर में आ रहा है। इस वन प्लस ने अपने बेस वेरियंट को जो इंडिया में लॉन्च किया है वो है 6 प्लस 64 GB, जो कि मुझे लगता है कि अभी के टाइम में 64 GB से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 128 देना चाहिए था। सो आपके पास तीन ऑप्शंस हो जाते हैं इस फ़ोन को लेने के लिए, एक 6 प्लस 64 GB, एक 8 प्लस 128 GB और एक 12 प्लस 256 GB। दो वेरिएंट की 8 प्लस 128 और 12 प्लस 256 की सेल 4 अगस्त से स्टार्ट होगी। वहीं बात की जाए तो जो बेस वेरियंट है 6 प्लस 64 GB की, उसकी सेल स्टार्ट होगी सितंबर में। सो एक तरह से टैक्टिकल चीज़ वन प्लस ने किया है ताकि लोग फोर्स हों 8 प्लस 128 वेरियंट को लेने में। और गाइस, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी लोगों को पता है क्योंकि एक डेढ़ महीने से वन प्लस पोस्ट बाई पोस्ट सब कुछ स्पेसिफिकेशन रिवील कर रहा है, बट फिर भी फॉर द रिकॉर्ड्स मैं कुछ स्पेसिफिकेशन बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसमें है 6.4 इंच का 1080p 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें फिंगरप्रिंट अंडरनीथ में है, और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट है जो कि 400 पिक्सल्स पर इंच का है। और गाइस, बैटरी इसमें 4115 mAh की है, साथ में आपको 30W का वॉप चार्जर भी मिल जाता है, और इसमें IP रेटिंग नहीं दिया हुआ है। और गाइस, ये स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर पे रन करता है और दो कलर में अवेलेबल है, ब्लू मार्बल और ग्रे ऑनिक्स। और गाइस, कैमरा की बात की जाए तो रियर साइड में चार कैमरा है, 48 MP मेन कैमरा है, जो कि सेम वन प्लस 8 में भी सेम चीज़ है। सो ये एक आपको मिल रहा है कि फ्लैगशिप लेवल कैमरा आपको एक मिड रेंज में मिल रहा है, प्लस 8 MP अल्ट्रा वाइड 2 MP मैक्रो कैमरा और 5 MP डेप्थ सेंसर है। साथ में आपको दो सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है, 32 MP और 8 MP। 32 MP जो है सेल्फी कैमरा और 8 MP जो है अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा है। बट गाइज, यहाँ पे वन प्लस ने कुछ कॉस्ट कटिंग भी की है। कॉस्ट कटिंग में आता है इसमें USB 2.1 स्टोरेज है, टाइप सी तो है जो कि मैंडेटरी है 2020 में, बट जो डेटा स्पीड इन्होंने दी है वो 2.0 है। सो गाइज, स्पेसिफिकेशंस तो बाकी सभी सही हैं, सभी लोगों को पता भी है, और कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ हुई है मैंने आपको बता ही दिया है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग वन प्लस नॉर्ड को क्यों लें। मार्केट में आप Realme X3 ले सकते हैं, Redmi K20 Pro ले सकते हैं, जो कि एक तरह से स्मार्टफोन चैंप है उस रेंज के प्राइस रेंज में। सो X3 में आपको स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर भी मिल जाता है, साथ में आपको दो वेरिएंट का अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, 6128 8128, साथ में 120Hz का स्क्रीन भी मिल जाता है, वो भी सेम 25,000 के दाम में स्टार्टिंग है प्राइस। और सेम चीज़ आपका Redmi K20 Pro में भी है, बस उसमें है कि स्नैपड्रैगन 855 और Realme X3 में 855 प्लस है। सो दोनों फ़ोन्स में आपको स्नैपड्रैगन के हायर वेरिएंट मिलते हैं इन कंपैरिजन टू वन प्लस नॉर्ड। तो लोग क्यों लें वन प्लस नॉर्ड, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। सो उसका सीधा सिंपल आंसर एक ही है, वन प्लस का यूज़र एक्सपीरियंस। गाइस, वन प्लस की यूज़र एक्सपीरियंस में उसका आ जाता है अपना खुद का सॉफ्टवेयर OxygenOS, जो कि काफ़ी इन्हांस कर देता है आपके यूज़र एक्सपीरियंस को। जो भी आप वन प्लस का डिवाइस यूज़ करते होंगे उन्हें आइडिया होगा कि कितना हेल्प कर देता है ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस में OxygenOS। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ब्लॉट फ्री है, कोई भी फालतू के एड्स नहीं आएंगे, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो OxygenOS को बहुत ऊपर ले जाती है। सो मेन सेलिंग पॉइंट भी इंडिया में लोगों के लिए है कि OxygenOS है। मैंने अपने वन प्लस 8 के रिव्यू में भी बताया है, जो कि आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हैं। और गाइज, आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलेंगे। वैसे क्लेम Realme भी करता है कि वो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है, जो कि मुझे नहीं एग्जैक्ट पता क्योंकि मेरे पास वो डिवाइस नहीं है, बट यहाँ तक मैंने सुना है कि वो भी
कंसिस्टेंट है अपने अपडेट्स को देने में। और गाइस वन प्लस की ब्रांडिंग है, ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। सो वन प्लस एक तरह से प्रीमियम स्मार्टफोन अब बन चुका है। सो वो वापस से बजट सेगमेंट में आना चाहता है, इसलिए उसने वन प्लस नॉट को लॉन्च कर दिया है। सो ओवरऑल पैकेज का आप लोग को आइडिया हो ही चुका होगा। और रियल मी एक्स सी और K20 Pro भी मार्केट में अभी है। सो जो क्वेश्चन आता है कि वन प्लस नॉट लेना सही होगा रियल मी एक्स 3 के लिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। इसका आंसर है कि अगर आप लोग वन प्लस के ब्रांड को यूज़ करना चाहते हैं, वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस को यूज़ करना चाहते हैं, सो आपको वन प्लस ही लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन ओएस कहीं और मिलता भी नहीं है। बाकी अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो रियल मी एक्स 3 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस मिल रहा है, जो कि मेरे व्यू में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और प्रैक्टिकल भी है। बट फिर भी अगर आप लोग को वन प्लस के ब्रांडिंग से काम चलाना है, सो आप लोग वन प्लस नॉट ले सकते हैं। मैं तो लेने वाला हूँ रिव्यू पर्पज़ के लिए, और साथ में मैं वन प्लस की ईयरबड्स भी लेने वाला हूँ, जो कि 5000 रुपये दाम है इंडियन प्राइसिंग में। सो उन दोनों का रिव्यू इस चैनल पे आने वाला है। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में, जब भी वो लॉन्च होगा, जब भी प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे, जब भी सेल स्टार्ट होंगे, उसे मैं मंगवाने वाला हूँ। और यहाँ पे इस चैनल पे सारा कुछ रिव्यू, अनबॉक्सिंग, पबजी गेम प्ले, कैमरा टेस्ट, सब कुछ यहाँ मैं कवर करने वाला हूँ। सो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस इन नट सेल मैं अगर कहूँ तो ठीक ठाक पैकेज है, स्टडी पैकेज है। आपको वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है, सबसे बड़ी बात यह है। और भी जो वन प्लस के अपने बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी यूजेज में मैं हमेशा रियल मी एक्स 3 को चूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस है। सो आपको परफॉर्मेंस एनी डे उसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा 765G के कंपेरिजन में। सो आप लोग इजिली डिसाइड कर सकते हैं आपको परफॉर्मेंस चाहिए, वन प्लस की ब्रांडिंग चाहिए, या ओवरऑल वन प्लस का यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी रियल मी एक्स 3 और K20 Pro बुरा डील नहीं है, बहुत अच्छा डील है। रियल मी K20 Pro तो चलिए पुराना हो चुका है, एक साल हुआ है, लेकिन रियल मी एक्स 3 जस्ट लॉन्च हुआ, मुझे लगता है कि एक मंथ भी नहीं हुआ है। सो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पैकेज है, 25000 के रेंज में आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। और रही बात वन प्लस को ही यूज़ करने की, तो अगर समहाउ आपको वन प्लस 70 अंडर 30K या फिर 30K में भी कहीं से मिल जा रहा है समहाउ, देन आप लोग उसको कंसिडर कीजिए, वन प्लस नॉट को नहीं, ऐसा मेरा व्यू है। बाकी वन प्लस यूज़ करना है तब तो नॉट ले ही लीजिए। सो गाइज ये थे मेरे वन प्लस नॉट के इनिशियल थॉट्स जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, और रियल मी एक्स 3 के साथ कंपेयर भी किया मैंने। सो आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा कौन प्रैक्टिकल है, कौन वैल्यू फॉर मनी है। सो टोटली डिपेंड करता है। बाकी तो मैं चैनल पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू सब कुछ आने ही वाला है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।